द्वारा नव तामीर शुदा हस्पताल की दीवार में नमी आने पर एससी और एसटी और मुतल्लिका अमला मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला मुआयना टीम से इंक्वायरी कराने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और मरीजों की जानिब से जो कतारें लगाई गई थी, मरीजों की कतारों का नोटिस लिया गया है और आउटडोर के तमाम शोबों में आ गए वज़ीर आला पंजाब। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मरीजों का फ्री डायलिसिस शुरू हो चुका है। डायलिसिस के लिए 40 मशीनें काम कर रही हैं वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया। मनासिर में भी आप देख सकते हैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वहां पर पहुंचे और मरीजों से भी बातचीत की। अदनान शेख से तफसीलात जान लेते हैं। अदनान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी का अचानक दौरा किया है और इस दौरे के दौरान उन्होंने मरीजों की आयादत की और इलाज मुआलजे की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। और वज़ीर आला पंजाब एक मरीज के पास गए और बाज़ मरीजों की जानिब से अद्वियात की मुफ्त फराहमी की शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार किया। और इस मौके पर उनका कहना था कि मरीजों को अद्वियात मुफ्त मिलनी चाहिए, जिन मरीजों को पैसे देकर दवाई लेना पड़ी है हस्पताल इंतजामिया ने पैसे वापस करे। और उन्होंने जो है वो नौ तामीर शुदा हस्पताल की दीवार में सीलिंग जो है वो होती है उस पर आने पर एस ई और एस पी डी ओ और मुतलका अमले को मुअत्तल कर दिया है और वज़ीर आला जो है मुआयना टीम से इंक्वायरी कराने का हुक्म दे दिया है। और वज़ीर आला का मरीजों की जो है कतारों को भी नोटिस उन्होंने लिया है। उनका ये कहना था कि मरीजों को अस्पताल में आराम और राहत मिलनी चाहिए, अमला कम है तो इसमें इजाफा किया जाए और मरीजों को सहूलतों की फराहमी सबसे पहले मुकदम काम है। उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से फंड में कमी नहीं आ रही है और अरबों रुपए जो है वो फंड दिए जा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में मरीजों का फ्री डायलिसिस शुरू हो चुका है और डायलिसिस के लिए 40 मशीनें जो है वो काम कर रही हैं। उनका ये कहना था कि मरीजों को अस्पताल में जो है वो आराम और राहत मिलनी चाहिए, इसके लिए पंजाब हुकूमत हर तरह की कोशिशें जारी रखेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान शेख, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे।